सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई सच्चाई जानकर खुश हूँ। हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई सच्चाई जान कर खुश हूँ। हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ। जय येसु। ताबोर रिट्रीट आश्रम मुंबई से प्रसारित वचन संगीत में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले हम आने वाले क्रिसमस की अनेकों बधाइयां और शुभकामनाएं आपको देते हैं। प्यारे दोस्तों, क्रिसमस एक ऐसा पर्व है जब प्रभु येसु हमें फिर से ये सिखाते हैं कि लेने की अपेक्षा देना अधिक सौभाग्य की बात है। प्रेरित चरित्र की किताब अध्याय 20 वचन संख्या 35 में लिखा है, हमें प्रभु येसु का कथन स्मरण रखना चाहिए। येसु कहता है, लेने की अपेक्षा देना अधिक सुखद है। पर दोस्तों, हमारा ईश्वर एक ऐसा ईश्वर है जो सिर्फ देना जानता है। वो लेना नहीं जानता, वो सिर्फ देता रहता है। देते देते आखिरकार उसने अपने आप को स्वयं हमें दे दिया। यह है क्रिसमस का संदेश। प्यारे दोस्तों, हम सोचते हैं कि हमारा जीवन तब सुखद होगा जब हमें मिलता है, जब हमें पैसा मिलता है, जब हमें ऐशो आराम मिलता है, जब हमें सम्मान मिलता है, जब हमें प्यार मिलता है। हम अक्सर सोचते हैं कि तब वे पल हैं हमारी जिंदगी में जब हमें खुशियां होती हैं। मगर बाइबल हमें सिखाता है और विशेषकर क्रिसमस का ये पर्व हमें सिखाता है, मिलने की अपेक्षा जब हम देने लगते हैं तब जिंदगी में असली खुशियां आती है। अर्थात प्यार मिलने से अधिक जब मैं प्यार दूसरों को देता हूं तब जीवन में अधिक सुखद होता है। पैसा मिलने से अधिक जब मैं दूसरों को अपना पैसा बांटता हूं या पैसा देता हूं तब मुझे असली आनंद का अनुभव होता है। मैं ये कहकर ना बैठा रहूं कि मुझे आदर नहीं मिल रहा, लोग मुझे सम्मान नहीं दे रहे। येसु क्रिसमस के द्वारा हमें यह बता रहे हैं, तुम्हें आदर और सम्मान मिलने से अधिक अगर तुम दूसरों को आदर और सम्मान देते हो तो तुम्हें जीवन की असली खुशियां का अनुभव होगा। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 36 वचन संख्या 1-7 तक हमें एक घटना के बारे में बताया गया है। वहां पर प्रभु मूसा को पवित्र स्थान के निर्माण के बारे में बता रहे हैं। पवित्र स्थान का निर्माण शुरू हुआ और लोगों से चंदा इकट्ठा किया गया। वचन में बताता है कि हर सुबेरे लोग स्वेच्छा से भेंट लेकर आते और मूसा को समर्पित करते। कुछ दिनों के बाद कारीगरों ने मूसा से कहा, देखिए हमें जितनी जरूरत थी उससे अधिक लोग हमें चंदा दे रहे हैं, इसलिए कृपा करके लोगों से कहिए अब हमें भेंट की जरूरत नहीं। और तब हम पढ़ते हैं, मूसा ने शिविर भर में एक घोषणा की कि अब कोई भी पुरुष और स्त्री चंदा लेकर ना आए। तब जाकर लोगों ने सामान लाना बंद किया। पर दोस्तों, इस घटना से हमें क्या समझ में आता है? जो लोग देना पसंद करते हैं, जो लोग लेने से अधिक देना पसंद करते हैं, वो इतना देते हैं कि जरूरत से अधिक वो दूसरों को देते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब मैं किसी को प्यार देता हूं तो मैं हिसाब किताब नहीं रखता, मैं जरूरत से अधिक उस व्यक्ति को प्यार देता हूं। इतना प्यार देता हूं कि वो व्यक्ति आखिरकार ये कहता है बस करो। देखिए यहां पर हमें क्या पढ़ने को मिल रहा है,
मूसा लोगों से कह रहा है बस करो, अब चंदा लाना बस करो। प्यार दोस्तों, क्या कभी हमारे साथ ऐसा हुआ है कि हम किसी को प्यार दे रहे हैं और वो व्यक्ति हमसे कह रहा है बस करो, मुझे तूने बहुत प्यार दिया। या हम किसी को क्षमा दे रहे हैं, कोई हमारे विरुद्ध कुछ कर रहा है, हम उसकी गलतियां क्षमा करते जा रहे हैं, इतना क्षमा कर रहे हैं कि आखिरकार उस व्यक्ति में शर्म पैदा हो रही है और वो हमसे आकर कह रहा है अब बस करो, मुझे क्षमा करना बस करो। या फिर हम किसी को पैसा दे रहे हैं, किसी की सहायता कर रहे हैं, और सहायता करते करते हम इतना दे चुके हैं या इतना दे रहे हैं कि वो लेने वाला व्यक्ति कह रहा है बस करो, बहुत हो गया, जरूरत से ज्यादा तुमने मेरी सहायता की। पर दोस्तों, यही बात हमें क्रिसमस के समय प्रभु येसु बताता है, वो देते देते अब आखिरकार अपने आप को समर्पित कर रहा है, इससे अधिक देने के लिए उसके पास और कुछ नहीं। पर दोस्तों, इस क्रिसमस के समय हम अपने आप से पूछे, क्या हम अपने प्रभु की तरह उदारता से लोगों को देते हैं या शिकायत के साथ, बड़बड़ाहट के साथ? देखिए, जब हम किसी की सहायता करते हैं, हम अक्सर मन में शिकायत या बड़बड़ाहट लेकर या हिसाब किताब रखकर दूसरों को देते हैं। पर दोस्तों, येसु इस धरती पर आया, और येसु जब इस धरती पर आया वो प्यार के साथ आया, वो इतना प्यार हमें देता है कि उसका कोई हिसाब किताब नहीं रखता। देखिए प्यारे भाइयों और बहनों, येसु को इस धरती में पैदा होने की कोई जरूरत नहीं थी, वो तो चाहे आसमान में बैठकर हमें बचा सकता था। उसे इस गंदे माहौल में या पाप में, अंधकार में, इस धरती में पैदा होने की कोई जरूरत नहीं। आसमान में बैठकर अगर वो एक वचन कहता वो काफी था हमारे लिए, हम बच सकते थे। मगर येसु उससे संतुष्ट नहीं हुआ। येसु ने फैसला किया, उसने तय किया कि मैं खुद धरती में जाऊंगा उन्हें बचाने के लिए। देखिए प्यार दोस्तों, जरूरत से ज्यादा प्रभु येसु हमसे प्यार कर रहा। हमारा प्रभु बिल्कुल भी कंजूसी नहीं दिखा रहा, वो हमेशा सोचता है कि मैं मैक्सिमम क्या करूं। और जब उसने इस प्रकार सोचा तो उसे सिर्फ एक ही योजना आई कि मैं खुद धरती में जाकर उन्हें बचाऊंगा। और इसलिए क्रिसमस के समय प्रभु येसु हमारे लिए इस धरती पर पैदा हुआ। प्यार दोस्तों, आने वाले इस गीत में हम मिलकर झूमते नाचते हुए इस पर्व को स्वीकारें। प्रभु येसु हमारे लिए पैदा हुआ, वो जरूरत से अधिक हमें दे रहा है जिसके हम योग्य नहीं हैं।
पैदा हुआ। सब घबराई गई यीशु के आने से, द्वार द्वार ढूंढवाया यीशु को, पाया पता ना रे। यीशु राजा हुआ, हो हो यीशु राजा हुआ, हो हो यीशु राजा हुआ, हो। जुमुना चो खुशी से यीशु पैदा हुआ, जुमुना चो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। आनंद खुशियाँ जगत में यीशु के आने से, ज्योति मुक्ति आई जगत में यीशु के आने से, आनंद खुशी आई जगत में यीशु के आने से, ज्योति मुक्ति आई जगत में यीशु के आने से, मुक्ति खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, जुमुना चो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, जुमुना चो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में अगर हम प्रभु के अद्भुत कार्य देखना चाहते हैं, चमत्कार देखना चाहते हैं, तो एक बार फिर से क्रिसमस हमें यह सिखाता है कि हम देने की आदत डालें। जितना अधिक हम देते हैं दूसरों को, उतना ही अधिक हमें प्रभु के चमत्कार और अद्भुत कार्य अपने जीवन में देखने का अवसर प्राप्त होता है। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 14 वचन संख्या 14 से लेकर एक किस्सा हमें बताया गया है। इस छोटे से बालक ने उसके पास जो कुछ था उसने यीशु को दे दिया, और लिखा है कि यीशु ने उस भेंट को स्वीकारा, उस पर प्रार्थना की, और फिर एक बहुत बड़ा चमत्कार उस दिन हुआ। 5,000 से अधिक लोग पेट भर कर खाए, और उनके खाने के बाद इतनी रोटियां बची, इतनी मछलियां बची कि प्रेरितों को टोकरियों में भरना पड़ा। पर दोस्तों, ये अद्भुत चमत्कार कब हुआ? बाइबल हमें सिखा रहा है जब एक छोटे से बालक ने उसके पास जो कुछ था उसने देने का निर्णय लिया। पर दोस्तों, हमारी जिंदगी में, हमारे परिवार में या हमारे व्यक्तिगत जीवन में अगर हम प्रभु के अद्भुत कार्य या चमत्कार नहीं देख पा रहे, तो उसका एक कारण यह है कि हम देने से अधिक लेना पसंद करते हैं। अभी हाल ही में मुझे सुनने को मिला एक परिवार में जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है उसके बारे में। परिवार के सदस्य आए, और जब मैंने उनसे पूछा किस बात को लेकर आप आपस में लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, तो पता चला जायदाद को लेकर। माँ बाप के 3 बच्चे हैं, और उन 3 बच्चों में से दूसरा लड़का कहता है कि माँ बाप की सारी जायदाद मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि बाकियों ने तो कुछ भी नहीं किया,
माँ बाप की देखरेख के लिए उन्होंने जरा सा भी पैसा नहीं लगाया। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो भी जायदाद है माँ बाप की वो मुझे मिलना है। यहां पर लड़ाई झगड़े का कारण क्या है? एक व्यक्ति ये कहकर अड़ा हुआ है मुझे सब कुछ मिलना है। पर दोस्तों अक्सर हमारे परिवार में भी ऐसा ही होता है। हम सोचते हैं कि हम खुश हो जाएंगे या हम धन्य हो जाएंगे जब हमें सब कुछ मिल जाएगा, मगर वहां पर अद्भुत चमत्कार के बदले लड़ाई झगड़ा और वहां पर दुख और निराशा छा रहा। आज जब हम क्रिसमस के बारे में सोच रहे हैं तो यीशु में बता रहे हैं जब तुम दोगे, दिल खोल कर दोगे, दरिया दिल बनोगे। पर दोस्तों हम जानते हैं दरिया दिल का मतलब क्या होता है, दरिया के समान। दरिया सिर्फ बहता रहता है, दरिया कभी रुकता नहीं है। ठीक उसी प्रकार अगर हम यीशु की तरह उदार बनते हैं, देने में उदार बनते हैं, लेने से अधिक हम देने की बात सोच रहे हैं, तो क्रिसमस हमें ये गारंटी देता है कि तुम्हारी जिंदगी में भी प्रभु के अद्भुत कार्य और चमत्कार जरूर होंगे। सुसमाचार के एक दूसरे भाग में संत लूकस का सुसमाचार है, अध्याय 21 वचन संख्या 1 से लेकर। वहां पढ़ते हैं एक विधवा के बारे में जो मंदिर में आई और उसके पास जो कुछ था उसने दान पेटी में डाल दिया। ये देखकर यीशु अपने प्रेरितों से कहता है कि इसका दान सबसे उत्तम था, क्योंकि बाकियों ने तो बचा कुचा हुआ दिया, मगर इस विधवा ने इसके पास जो कुछ था उसने दे दिया। पर दोस्तों अक्सर हम सोचते हैं कि जब हमारे पास बहुत हो जाएगा तब हम लोगों को देंगे, जब मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। कुछ लोग आकर कहते हैं फादर जी प्रार्थना करो कि मुझे एक अच्छी नौकरी मिले ताकि मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, फिर मैं गरीबों की सहायता कर सकूं। कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे प्यार नहीं मिला, सबसे पहले मैं प्यार से भर जाऊं उसके बाद मैं दूसरों को प्यार दूंगा। यहां पर प्रभु यीशु हमें बता रहे हैं देने के लिए तुम्हें सबसे पहले भरने की जरूरत नहीं है। एक विधवा जिसके पास पैसा भरपूर मात्रा में नहीं था, बस थोड़ा सा पैसा था, उसके पास जो था उसने प्रभु को दे दिया। पर दोस्तों अगर हम उदारता से लोगों को देना चाहते हैं तो हम एक ऐसे समय का इंतजार नहीं करेंगे जब हमारे पास बहुत हो जाएगा, जब बहुत पैसा हो जाएगा फिर देंगे। आपके पास जितना पैसा अभी है क्या आप उस अवस्था में लोगों को दे पा रहे हैं? क्या आप जिस अवस्था में अभी हो उस अवस्था में आप गरीबों की सहायता कर पा रहे हैं? अगर आज आप लोगों को दे रहे हैं तो कल भी दोगे, जब और ढेर सारा पैसा हो जाएगा तब भी आप दोगे। मगर अगर आज जिस अवस्था में आप हो, अगर उस अवस्था में आप लोगों की या गरीबों की सहायता नहीं कर पा रहे तो गारंटी है बहुत सारा पैसा मिलने के बाद भी हम उदार नहीं बनने वाले। ठीक इसी प्रकार शायद हम ये कह रहे हैं कि मुझे किसी का प्यार नहीं मिला इसलिए मैं दूसरों को प्यार नहीं कर पा रहा। ऐसे कई सारे लोग हैं जो आकर कहते हैं फादर जी मेरे बचपन में मेरे माँ बाप ने मुझसे प्यार नहीं किया, मेरे भाई बहन ने मुझसे प्यार नहीं किया, मुझे कोई नहीं चाहता, इसलिए मेरे अंदर प्यार का अभाव है और मैं दूसरों को प्यार नहीं कर पा रहा। ये गलत है प्यारे दोस्तों, क्योंकि वचन हमें सिखाता है तुम्हें सबसे पहले प्यार से भरने की जरूरत नहीं है। जितना प्यार तुमने अनुभव किया है क्या तुम उस प्यार को दूसरों को दे सकते हो? एक महान संत के बारे में मुझे भी याद आ रहा है, संत मार्टिन डी पोरस। जब हम इस संत के बारे में पढ़ते हैं हमें पता चलता है जन्म होने के बाद इसके बाप ने इसे छोड़ दिया यह कहकर कि वो काला है, तो बचपन से ही उसे पिता का प्यार नहीं मिला। और उसकी मां जो बहुत गरीब थी, पैसे नहीं थे, कंगाली की अवस्था थी, देखिए उसका बचपन इतना खराब था, मगर इसके बावजूद ये एक उदार व्यक्ति बना। कहा जाता है जब इसकी मां इसे कुछ खरीदने के लिए दुकान में भेजती थी तो जो कुछ वो खरीदता, छोटा सा बच्चा था, जो कुछ वो खरीद कर वापस घर आते आते वो सबको वो बांट देता। देखिए प्यारे दोस्तों आपको सबसे पहले प्यार से भरने की या पैसे से या दया से करुणा से भरने की जरूरत नहीं। जितना आपने अनुभव किया है क्या आप उसके हिसाब से दूसरों को दे सकते हो? अगर आप ये तैयार हो देने के लिए तो उतना ही अधिक उदार आप दिन ब दिन बनते जाओगे। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 में लिखा है जिस प्रकार प्रभु ने तुम्हें दिया है
उसी प्रकार तुम भी उदारता पूर्वक दो। और फिर वचन कहता है ईश्वर प्रतिदान करता है, वो सात गुना वापस लौटाता है। जब हम प्रभु की तरह उदारता पूर्वक देते हैं तो हमारी झोली सात गुना आशीषों से भर जाती है। तो प्यारे दोस्तों, हम इस क्रिसमस के समय एक विशेष प्रार्थना करें, और वो प्रार्थना कुछ इस प्रकार हो कि प्रभु हमें अपनी तरह उदार बनाए, ताकि हम कंजूसी के साथ नहीं, अपनी मुट्ठी बंद ना रखे, खुलकर लोगों को दे, खुलकर हम अपना प्यार दूसरों को दे, खुलकर हम अपनी धन संपत्ति दूसरों को दे, हम दूसरों को क्षमा दे और दूसरों को करुणा दे बिना किसी हिसाब किताब के। एक छोटी सी प्रार्थना हम इस वक्त करें। हे प्रभु येसु, आपने कहा है कि आपकी कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। इस वक्त हम ये जानते हैं कि हमारे हृदय में उदारता नहीं है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपनी पवित्र आत्मा हम पर बरसा, ताकि हम भी तेरी तरह उदारता से लोगों को दे सके। हम जब लोगों को देते हैं तो जरूरत से अधिक लोगों को हम देने की कोशिश करें। प्यारे प्रभु, हम कंगाल हैं, मगर उस विधवा की तरह जो कुछ हमसे बन पड़ता है हम दूसरों को दे सके, ये वरदान हम मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा मांगते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। जय यीशु।
नाम से मिलती है जिंदगी, यीशु के नाम से मिलती है हर खुशी, यीशु के नाम से मिलती है जिंदगी, यीशु के नाम से मिलती है हर खुशी, यीशु के नाम से मिलती है शांति, यीशु नाम देता है सबको सहारा। Merry Christmas to you, yeah, Merry Christmas to you, Merry Christmas to you, hey, hey, hey. Merry Christmas to you, hey, hey, Merry Christmas to you, hey, hey, Merry Christmas to you, Merry Christmas to you, hey, hey, Merry Christmas to you, hey, hey, Merry Christmas to you, hey, hey, hey.